हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टमी टू हैप्पी हार्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ थाली पीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये व्रत के लिए थाली पीट बना रहे हैं। मैंने एक कप साबुदाना लिया है जिसे भिगा के रखा था, मूंगफली क्रश की हुई आधा कप, सेंधा नमक, हरी मिर्ची और हरा धनिया चॉप किया हुआ, जीरा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये दोनों चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें पोटैटो ऐड किया है साबुदाने में, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया है, मूंगफली के दाने जो मैंने क्रश करके रखे हैं, सेंधा नमक, और अब इसमें आटा ऐड करेंगे। सिंघाड़े का आटा ले रही हूँ 1/4 कप, ऐसे ही 1/4 कप कुट्टू का आटा लेंगे, और अब इसे अच्छे से एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। इसमें हमें पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीच में आपको लगे तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज इसमें मॉइस्चर होता है साबुदाने में क्योंकि ये सोक्ड है, तो उसे ऐसे ही बाइंड कीजिए। हल्का हल्का पानी अगर आपको लगता है तो आप डालिए इसमें, अदरवाइज से ऐसे ही बाइंड कर लीजिए। ये अच्छे से एक सॉफ्ट डो बन जाए उतना हमें इसे बाइंड करना है। देखिए ये बाइंड हो गया है, थोड़ा स्टिकी होता है बट आप आराम से कीजिए, ये हो जाता है। अब इसे हमने बना के छोड़ना नहीं है, हमें इमीडिएटली इसे थाली पीट रेडी करने हैं। थाली पीट बनाने के लिए मैंने एक सेलोफेन शीट ली है जिस पर रखकर मैं इसे बनाऊंगी। अब एक छोटी सी बॉल स्टोव में से तोड़ लेते हैं। हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा पहले, अदरवाइज ये चिपकेगा। इसे हाथों से प्रेस करते हुए भी आप बना सकते हैं या फिर सेलोफेन शीट को डबल करके इसे इस तरह बेल सकते हैं, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह इसे बना लीजिए। इसमें बीच में एक होल कर देंगे। अभी रेडी है हमारा पैन, गरम कर लेंगे, उसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और अब इसे इस पर शिफ्ट कर देंगे। इसे हल्की आंच पे पकाइएगा और जैसे ही एक तरफ से कुक होता है इसे फ्लिप कर देंगे। आंच पे देखिए काफ़ी अच्छा ब्राउन कलर इसमें आया है और धीमी आंच में सिकता है तो ये अंदर तक अच्छे से सिकेगा, उसमें अच्छे से फ्लेवर आएगा। दूसरा भी आप इसी तरह एक डो ले लीजिए इसमें से और इसे रेडी करते हैं। आप दो शीट भी ले सकते हैं, एक शीट ऊपर रखकर एक नीचे, और आप डायरेक्ट भी इसे बेल सकते हैं अगर आपको लगता है कि बेलन इसमें चिपक नहीं रहा। ये देखिए जितना बड़ा आपका उसका साइज चाहिए उतना बड़ा कर लीजिए। अभी रेडी है तो इसमें भी एक होल कर लेंगे बीच में। होल करने का कोई रीज़न मुझे एज सच पता नहीं है बट शायद इसलिए कि इसमें ऑयल ईजिली अंदर तक चला जाए और उसकी बैक साइड भी क्रंच हो जाए। अब एक हमने निकाल लिया है, दूसरा थाली पीट को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी ऐसे ही पलटते हुए सेकेंगे। ये रेडी है, इसे दही के साथ सर्व कीजिए। आप साबुदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, साबुदाने के अप्पे, इनकी रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।